भैया आए थे वो पूरा ये मेरे को क्वेश्चन बना के दे गए हैं। जैसे मेरे जैसे जो है ना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग हैं, कि जैसे अगर आपसे सरल शब्दों में जो मैं कहूँ कि इसमें उनको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जैसे गीता हम पढ़ते हैं तो कई शब्द समझ नहीं आते, तो इसमें है कि ईश्वर शरणागति क्या होती है। ईश्वर शरणागति मतलब ईश्वर मालिक है, हम उसे कर्मचारी हैं। अच्छा जी। और कर्मचारी अपने मालिक की शरण में रहता है तभी तक मालिक को प्रिय होता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रसोई बनाने वाले हैं और हम बताते हैं कि आप आज ये सब्जी बनाओ, और वो उसी तरह बनाते हैं तो हम खुश होते हैं। फिर वो मनमानी करते हैं तो हम खुश भी नहीं होते, उनको उनको मानते भी नहीं, उनके ऊपर हमें गुस्सा भी आता है, नौकरी भी जाती है उनकी। ये तो एक मामूली सी बात है। शरणागति की एग्जाम्पल ऐसे देते हैं हम। बहुत वर्षों पहले एक संत ने इस बारे में बताया था, वो मुझे आज भी याद है, वही मैं आज बता रहा हूँ। एक मालिक को किसी अच्छे कर्मचारी की ज़रूरत थी जो उसकी पर्सनल सेवा कर सके। उन्होंने इश्तहार दिया, इश्तहार में ये लिख दिया कि इतने बजे आप मेरे पास आइए, और टाइम बांध दी, और फिर ऐसे करके अंदर कमरे में बुलाने लगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में एक ही काम किया उसने, एक गिलास पानी लाओ। जब वो कर्मचारी पानी लाया तो बोला इसको पिला दो, तो उस आदमी ने ऐसे देखा, अभी तो मंगवाया था, अभी बोलता पिला दे, पागल है क्या। तो बस वो इंटरव्यू में फेल हो गया, पीछे रास्ते से जाओ। फिर दूसरा आया, पानी लाओ, पानी गिराओ। कुछ आदमी पेशेंस वाले थे तो पानी लाते थे, गिरा देते थे। कभी कभी 10-10 बार पानी मंगवाया, फिर 10-10 बार बोला पानी गिरा दो, फिर भी मालिक बोल रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम पागल हो गए हो। तो बार बार पानी लाते हो, गिराते हो। तो कर्मचारी ने कहा आप ही ने तो बताया, आप ही तो मंगवाते हो और आप ही गिरा देते हो, आप ही बोलते हो, तो आप ही मंगवाते हो, ऑर्डर देते हो और आप ही बोलते हो, मैं थोड़ी गिरा रहा हूँ। तो उसने भी जवाब सवाल कर लिया ना, तो बोला तुम जाओ पीछे वाले दरवाजे से, फेल हो गया वो। अच्छा। इसी तरह चलता रहा। इतने में एक कर्मचारी ऐसा भी आया जिसे 50 बार उसने जल मंगवाया और 50 बार फेंकवा दिया, और फिर उसको डांट के बोला बार बार पानी लाते हो, गिराते हो, तुम पागल तो नहीं हो। बोला हाँ मालिक, मेरे से गलती हो गई। बस उसी को उसने अपना कर्मचारी बना लिया। तो शरणागति भी ऐसी होनी चाहिए, मालिक जो चाहता है उसी में हम खुश रहें। जैसे मालिक ने शर्मा जी को अपने पास बुला लिया, अब आप रोइए, इसका मतलब आप शरणागति में नहीं हैं, और यदि आप उसको मान लीजिए तो आप शरणागति में हैं। ये आपका एग्जाम्पल दूसरा है। फिर गीता जी में भी इसकी एक व्याख्या है, 18वें अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न था कि आपकी बातें तो समझ में आई, लेकिन तभी आप बोलते हो योगी बन जा, तभी बोलते हो युद्ध कर, तभी बोलते हो भक्त बन जा, परंतु इतनी बातें समझते मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। तब उन्होंने कहा था सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज, मतलब चलो सब चीज भूल जाओ, जो मैं बोलता हूँ वैसे ही करो, इसको भी शरणागति बोलते हैं। तब उसी समय उन्होंने मंजूर कर लिया कि ठीक है, अब मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, अब आप जैसे जैसे बोलोगे वैसे वैसे मैं करता रहूँगा। इसीलिए तो वो युद्ध जीता। ये शरणागति थी, शरणागति ऐसी होनी चाहिए। मालिक के सामने कोई जवाब प्रश्न उलट के देना ही नहीं है, जो वो बोले हाँ, हाँ जी यस सर, हाँ जी यस सर, बस इसको बोलते हैं शरणागति। जैसे आप महाराज जी को बोलते हो तो वो ना तो करते ही नहीं है, ना करेंगे तो उस दिन दूसरे दिन आप देखोगे नहीं उसको, दूसरा आदमी आ जाएगा, वो दूसरा आदमी आ जाएगा वहाँ। एक प्रश्न पूछे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप बोल रहे शरणागति तो है ठाकुर, हम बोलते हैं कि जो भी हुआ ठाकुर से, पर एक जगह बोलते जो भी हुआ नहीं, आपकी इच्छा, हमारे ठाकुर का प्रसाद है, जो भी अच्छा बुरा जो भी हुआ शरणागति में ही है ना, जो भी उसको जो पसंद है वही, जो किया उसकी रजा में हम राजी है। अच्छा बुरा क्या कुछ भी हो,
बुरा तो हम बोलते हैं ना, बुरा हुआ। आप एक बात बताइए, आपकी एज कितनी है? हमारी 72। आपकी सासू हैं? नहीं नहीं है ना, यदि होती तो कितने साल की होती? वो अभी होती 84 की। सिर्फ 12 साल बड़ी होती? 14 साल बस इतना ही, 86 होती है, 6 साल हुआ, 14 साल में ये हो गई। हाँ गर्भवती, ठीक है, जय लक्ष्मी बाई हो गई। तो अच्छा, वो यदि होती या उनकी भी सास होती और कुछ नहीं करते, बिस्तर पर पड़े रहते, तो आप क्या सोचते? भगवान उनकी सुन ले। सच सच बात तो यही है, जो बिस्तर पे पड़ा है बहुत बीमार है, तो हम लोग बोलते हैं ना भगवान बहुत उनकी सुन ले, बहुत कष्ट पा रहे हैं। हम लोग जनरल ऐसे ही बोलते हैं, हर आदमी बोलता है ऐसे। देखिए अपने अपने हम खाली एक क्वेश्चन, हम जनरल बारे में बता रहे हैं। हाँ, एक बात खाली यही क्वेश्चन करना था, फिर अपने नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो बोले ना अच्छा या बुरा, बुरा क्या होता है, जो हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं हो तो हम उसको बुरा समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम बुरा समझते हैं वो सही हो रहा होता है। मान लीजिए मीरा का देवर यदि उसको बहुत इज्जत से रखता तो वो ईश्वर तत्व को कैसे प्राप्त कर पाती है? उसको कष्ट मिला तभी तो बोले मेरे तो फिर घर वो पाल दूसरा न कोई, तो उस कष्ट में भी उसको ईश्वर मिला। तो बुरा भला क्या, उसने ये मान लिया था कि जो ईश्वर की इच्छा हो रही है वही मेरे लिए अनुकूल है। वहाँ बुरा शब्द था ही नहीं, और ईश्वर कभी किसी का बुरा कर सकता ही नहीं है, वो तो माँ बाप है ना। आप जिसके माँ हो, आप कभी बुरा चाहो कि वो बच्चा आपको ना भी माने तो आप उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते। तो ईश्वर अपने बारे में कैसे बुरा सोचे, नहीं सोच सकता। तो बुरा वाला शब्द भूल जाइए, बुरा तो हमारे मन के अधीन होने से हम बुरा मान रहे हैं। ये आपकी बात हमको अच्छा लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया। अब आगे बढ़िए। आप कि लोग बोलते हैं प्रारब्ध भोगना पड़ता है, प्रारब्ध को माने कि हम भक्ति को माने। मेरा भक्ति में तो आपको शरणागति है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ठाकुर की इच्छा से हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और प्रारब्ध में बोलते अपने कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कौन बोलता है? अपने लोग जनरल में हम लोग नहीं बोलते हैं। कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। आप कबीरदास जानते हैं? उन्होंने एक लाइन कही है कि देह धरे का दंड है सब पाहु को होत, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी ये भुगत जान लेता है कि मेरे कर्मों का फल उदय होगा, मुझे भुगत लेना है। अब मूर्ख बोलता है कि भगवान को और पे नहीं मिला, मेरे पीछे लग गया। तो ये मूर्खों की बात है, कर्म का फल सबको भुगतना पड़ा है। आपको शायद पता है या नहीं है, कृष्ण के अंत में क्या हुआ, कृष्ण का शरीर कैसे छूटा, उसको एक आदमी ने बाण मार दिया। आज की भाषा में उसको हत्या करना भी तो बोलते हैं। आपको मैं बोली कोई मार दे तो क्या होगा, हत्या ही हुई ना। आपको मैं चप्पू मार दूँ या तीर मार दूँ तो हत्या है। अब कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो हत्या, हमारी हो तो हत्या। लेकिन ठीक है, तो भगवान कृष्ण जी पिछले जन्मों में राम जी के रूप में थे, तो उन्होंने बाली को छुप के मारा था। बाली तो उनका दुश्मन नहीं था वहाँ पर। ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसमें राम जी ने कहा कि जब भाई की पत्नी के साथ तुम गलत काम किए हो तो मैं तुमको मार ही सकता हूँ। लेकिन वहाँ उनका लोभ तो था ही कहीं ना कहीं कि ये तो मेरी हेल्प करेगा नहीं, क्योंकि ये रावण का मित्र है और मुझे तो रावण से लड़ना है। तो उन्होंने उसको मार दिया ताकि रावण को हेल्प ना मिले और बाली मेरे और जो सुग्रीव मेरे साथ रहे। तो इसका फल भुगतना पड़ा ना अगले जन्म में। तो कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको फल न भुगतना पड़े। और कुछ पूछना है तो पूछ। आपका क्वेश्चन चालू कीजिए, पहले से ही पूछो। नहीं, इनका प्रश्न अच्छा था। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छा था। जब आप अभी भी अब आपको समझ में आया कि मैं जो जवाब दिया आपको वो मेरे को समझ में आया। अब अभी भी परिस्थिति जब कोई ऐसी आती है तो लगता है कि जो भी आया मेरे ठाकुर से आया है, जैसा भी हो। ठाकुर से नहीं आया, मेरे कर्म फल आए हैं। कर्म फल आए हैं, मेरे कर्म फल आए हैं। ठाकुर थोड़ी किसी को, अभी मैं बताया हूँ कि ठाकुर तो माँ बाप हैं। हाँ, माँ बाप तो वो किसको कष्ट दे सकते हैं? हाँ, दे नहीं सकते। वो तो दृष्टा हैं। हाँ। वो देख रहे हैं और हमारे कर्मों का दंड देने के लिए ये ग्रहों को बना दिया। ये सूर्य चंद्रमा बृहस्पति शुक्र राहु केतु है ना, मंगल बुध, ये हम लोगों को कर्म फल को फलित करने के लिए इनके हाथ में दे दिया। जैसे राष्ट्रपति कानून पे साइन करता है, अब पुलिस वाले और कोर्ट जो है उसको जो है
रिजल्ट के रूप में लाते हैं हम लोगों को, इसको जेल में डालो, इसको बाइज्जत बरी करो, इसको मेडल दो, इसको ऐसे करो, ऐसा होता है ना, तो वो नियम है। तो संसार में राष्ट्रपति को आप ईश्वर मान लीजिए और ग्रहों को यहाँ पर पुलिस वाला मान लीजिए, वकील मान लीजिए, जज मान लीजिए। तो जैसे रामायण में है मीठे कुंक भालके, भालके आता है अपने रामायण में कि भगवान का नाम आप लेंगे, क्योंकि हमारे प्रारब्ध क्या किए हम तो नहीं जानते हैं ना, उसमें आता मीठे कुंक भालके, आपको आप तो जानते हैं, बोलिए बोलते जाए। तो इसीलिए तो फिर किसको हम क्या करें, हम तो इसीलिए कि हमारे बाल के कुंक मिट जाए। नहीं ऐसा तो होता है, देखिए उसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कुंक भाल के मतलब अपने भाग में जो लिखा हुआ है आगे में, वही जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो मिट जाएगा उसका, तुम भगवान का नाम लेने से वो मिटे कुंक। नहीं दरअसल ये तुलसीदास जी ने जो भी कहा है ना, तुलसीदास थोड़ा थोड़ा छद्म भाषा में बताया है। अब उसकी गहराई में जब हम लोग जाते हैं तो ईश्वर की भक्ति करने वाले को सहने की शक्ति बढ़ जाती है, कष्ट तो सब होता है तो सहने की शक्ति बढ़ जाती है। देखिएगा किसी घर में कोई मर गया तो बहुत जोर जोर से रो रहा है, कोई शांति से बोले तो होना ही था, तो इस जो ईश्वर की तत्व से जान जाता है ना उसको फिर सुख और दुख के ऊपर चला जाता है, तो अपने आप ही मिट जाता है ना उसको, फिर उसको कष्ट हुआ कहाँ। अब राम कृष्ण परमहंस के बारे में आपने सुना होगा, उनको गले में कैंसर था, 2 साल रहा, तो उनसे बड़ा भक्त कौन होगा जिसको माँ काली माँ साक्षात दर्शन देती थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, लेकिन वो बोलते थे जब विवेकानंद बोलते थे गुरु जी आप माँ को बोलिए ठीक कर दें, बोला बोला था रे एक बार, तो बोलती है कि पहले से नहीं पी सकते हो ना, जितने पहले से पानी पी रहे हैं ना वो तो तुम ही हो, तुम उसी पहले से पानी पियो, तब बस समझ में आ गया मुझे मैं अब बोलने वाला नहीं हूँ, अरे नरेंद्र तुम जो खा रहे हो ना वो तो मैं ही खा रहा हूँ, बस तब क्या होता है फर्स्ट सहने की शक्ति आ जाते हैं। मनुष्य एक तो ये प्रश्न थोड़ा वैसा है ना, ये बहुत लंबा है तो इसको पीछे अच्छा, में अच्छा। इतने ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है इसको पूछिए, क्या है ब्रह्म क्या है, बस इतना ही पूछना आपको। ब्रह्म क्या है ये पूछिए, और इसमें यज्ञ क्या है, ब्रह्म क्या है ये ब्रह्म? नहीं, अभी ब्रह्म क्या है इसमें बात, ये गहरा विषय है। जो आदमी ईश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है वो भी ये तो बोलता है कि हम इस ब्रह्मांड में रहते हैं, तो इस ब्रह्मांड में रहते हो ना तुम, सभी जानते हैं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि ब्रह्म क्या है हमने तो देखा नहीं। जब आप ब्रह्मांड को ही मानते हैं, ब्रह्म के एंड में रहते हैं और ब्रह्म के बारे में भ्रम है तो ये तो सही नहीं है। अब ब्रह्म क्या है, ये कोई चेहरा नहीं है, ये वो सत्ता है जिसके सोचने मात्र से ये पृथ्वी, ये सारे आकाश, ये सारे ग्रह सितारे सूर्य चंद्रमा सब बने, और जिसकी सत्ता हर जगह व्याप्त है, पर ये महसूस करने की चीज़ है, ये देख नहीं सकते। जैसे आप हवा को महसूस करते हैं ना, आपने देखा हवा कभी, बस वही ब्रह्म है और वही सब में व्याप्त है, जड़ और चेतन। यहाँ जो मैं पाँव रख के बैठा हूँ ये भी वही है, ये पाँव भी वही है, आप सुन रहे हैं वो भी वही है, ये जो मशीन है ये भी वही है, तो सब जगह वही है, यही ब्रह्म है।